अच्छा गाइस, एज यू मे नो, हम लोग आए हुए हैं बैंकॉक थाईलैंड, और थाई एम्बेसी ने हमें यहाँ भेजा है। वो क्यों भेजा है ये बात रिदा बताएगी आपको। हाँ, तो बेसिकली हम लोग यहाँ का हलाल फूड हाईलाइट करने आए हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हलाल फूड ढूंढने में। हलाल फूड यहाँ पे बहुत आसानी से और बहुत अच्छी जगहों पे और अच्छे टेस्ट के साथ अवेलेबल है और अच्छे पैसों में। तो आज, बल्कि आज नहीं, इस वीडियो का मकसद ही हलाल फूड को प्रमोट करना है। तो क्योंकि इस स्ट्रीट पे सारा आपको हलाल फूड मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, और सबसे बेस्ट 60 साल पुराना नाम पाया मुस्लिम रेस्टोरेंट। तो अभी यहाँ पर हलाल फूड मिलेगा और मैं अली जाके खाएंगे, देखते हैं कैसा है इसका खाना। चलो लेट्स गो। अच्छा, अभी हम लोग आए हैं फेरी स्टेशन पे, फेरी लेकर हम जाएंगे खाओसान। खाओसान एक पुराना विलेज है, अराउंड 200 टू 300 इयर्स ओल्ड, और वहाँ पर आपको टेंपल भी मिलेगा, मस्जिद भी होगी और चर्च भी होगा, और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो अभी जाके देख के आएंगे वो कैसे है। वैसे तो थाईलैंड में बहुत सारी मॉस्क है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन का 4% हिस्सा मुस्लिम है, मगर ये एक वाहिद मॉस्क है, कुडीखाव मॉस्क, जो कि थाई आर्किटेक्ट पे बनी हुई है, रादर देन जो टिपिकल मॉस्क होती है जिसमें मीनार और डोम होता है। तो ये है यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट, इसमें बेसिकली आप लोग ट्रैवल करते हैं बाय बोट, और यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स बनी हुई हैं जो आप जाते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, फूड स्टॉल्स हैं, बट वो सब आप ट्रैवल करते हैं बाय बोट। तो अभी हम जाएंगे, बोट पे बैठेंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं चटूचक मार्केट, तकरीबन 1.5 आवर की ड्राइव है, तो जब तक हम बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अंदर का वी कैन टेक अ शॉर्ट नैप, वी कैन डू एनीथिंग। याया ने बहुत अच्छी गाड़ी कराई है। यस, थैंक यू याया। थैंक यू। तो अब हम आराम से सोते हुए जा सकते हैं, अली ने तो 40 सीट पूरी कवर कर दी है। तो जब हम पहुंचेंगे फिर आगे देखेंगे। ओके, ये बेसिकली संडे बाजार है जो DSE पे बंद हो गया था कराची में, फिर उन्होंने बोला चले नई जगह ढूंढते हैं, तो थाईलैंड में ये सबसे बड़ी ओपन मार्केट है। पूरे चटूचक मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि हालांकि यहाँ की पॉपुलेशन खाली 4% मुस्लिम है, बट एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया कि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई गई, और पूरे चटूचक मार्केट में ये एक वाहिद मस्जिद है, बट 4% पॉपुलेशन के लिए एक मार्केट में मस्जिद बनाना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, तो हम लोग पहुंच गए हैं याना रेस्टोरेंट। याना रेस्टोरेंट 100% हलाल है। अच्छा, बहुत से रेस्टोरेंट्स होते हैं थाईलैंड में जो क्लेम करते हैं वो लोग हलाल हैं, सिर्फ कस्टमर्स घेरने के लिए कि हाँ हम लोग हलाल हैं, आ जाओ। जब आप कोई हलाल रेस्टोरेंट आओ, यू हैव टू मेक श्योर कि ये लोगो देखे, दिस मीन्स इट्स 100% सर्टिफाइड हलाल। अनलेस यू डोंट सी दिस इन अ हलाल रेस्टोरेंट, दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि वो हलाल नहीं होगा। तो चलो आके देखते हैं इनका खाना कैसा है। मैंने फ्राइज ऑर्डर किए, वेजिटेबल रोल एंड ग्रिल्ड चिकन। So I'm having tom yum soup, it's really nice, but coconut milk in it, and it's one of their most popular soups.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और हम आए हैं अब एक हलाल रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है गॉट टू ग्रिल। ये एक जैपनीज स्टाइल बारबेक्यू प्लेस है और इसकी एक यूनिक बात यह है कि टेबल पे ग्रिल लगी हुई है, आपको गोश्त दिया जाएगा, आप खुद ग्रिल करेंगे और खाएंगे। Go to grill all of us and we're making our own food. This is really exciting because ये कराची में हमारे करने को मिलता नहीं है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गोश्त चपक चुका है। ये चिकन बन रही है और समी और मुझे वेल्डन पसंद है, तो देखें आप कैसी है, वेल्डन हुई है। अच्छा तो मैं बनाने जा रहा हूँ ये जायंट सा प्रॉन, इट्स ह्यूज, जिगेंटिक। अब बनाते हैं इसको। गाइस मेरा पेट भर चुका है, यहाँ का खाना बहुत मजे का था एंड द बेस्ट पार्ट 100% हलाल। जैसे आप लोगों को पता है कि थाईलैंड में मसाज बहुत मशहूर है, और इनका जो सबसे मशहूर मसाज है उसका नाम है थाई मसाज। उसका जो ओरिजिन था ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो टेंपल हम देख रहे हैं यहाँ जो हम हैं। अच्छा गाइस तो अभी हम लोग फेरी में बैठे हैं और हम जा रहे हैं एक आइलैंड, वहाँ पर है वज अरुण, ये एक टेम्पल, इसका नाम है वज अरुण। ये जो इनका एक मशहूर मॉन्यूमेंट है जो इनके नोट पे बना हुआ है, और वज अरुण, अरुण का मतलब है मॉर्निंग। तो अभी जरा देख के आते हैं ये है कैसा। आज हम लोग आए हैं बैंकॉक के लीडिंग हलाल होटल में अलमेरोज। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है दीवान रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे सुना बहुत अच्छे अच्छे हलाल खाने होते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं कैसा है। अच्छा गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के थाईलैंड बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी विजिट करें थाईलैंड और यहाँ मज़े का हलाल खाना खाएं, क्योंकि हलाल खाना मिलता है। सही है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्पेशली बैंकॉक एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल प्लेसेस, तो ट्राई करें ये। अच्छा बस कर दो जी, बस कर दो, जब से कमबख्त महारा हलाल हलाल की बात करे जा रहे, मुझे तो ये बता कि फुल बॉडी मसाज कहाँ से मिलेगा है? दादी ये आपकी उम्र नहीं है ना मसाज लिए, क्या बातें कर रही हैं आप? क्या मतलब मेरी उम्र नहीं है भाई, मुझे पैर से सूजन हो जाती है बदन में, थोड़ा सा दबा लूंगी। दादी मैं नहीं बता सकता, आप उससे पूछे वो बताएगा। तू नजरे को चुराने में से कम बखत मीट ना खुद गया अभी, तू जा रहे ना अपना मसाज करवाने के लिए, बड़ा चलाक आदमी खुद अभी दबाने जा रहा है। दादी इधर मनोज सिंह का